हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, ठीक है। 13वां पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, और इसमें अपन पढ़ेंगे आज चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक छड़ चुंबक ले लेने हैं आपको, एक चुंबक लेनी है इस तरीके से, ठीक है बच्चा। और इसका एक क्रियाकलाप आपको करना है। मैंने बताया था कि इस चुंबक को क्या करना है, एक धागे से बांधो और स्कूल के मैदान में या फिर आपके आसपास जो जगह है उसमें आपको घुमाना है इसको, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक कागज़ का एक टुकड़ा लेना है, उस पे लोहे का बुरादा डालना है और इस चुंबक को वहाँ रख देना है। तो आप क्या देखते हो बेटा, आप देखते हो कि चुंबक का जो जितना भी बुरादा है वो बेटा केवल और केवल इस चुंबक के दोनों सिरों पर, दोनों एंड जो होते हैं सिरे, यहाँ बेटा चिपक जाता है, ये यहाँ आके चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है ये आपको मैंने कल पढ़ाया, ठीक है। सारा का सारा बुरादा जो है चुंबक के दोनों सिरों पर चिपक जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए होता है बेटा, इसका एक क्रियाकलाप दे रखा है कि इसका अगर ये अपन यूँ करते हैं तो आपको इससे क्या पता लगता है। इससे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि चुंबक के क्या होते हैं, चुंबक के ध्रुव होते हैं बेटा। क्या होते हैं चुंबक के ध्रुव होते हैं, एक तो होता है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और एक होता है बेटा क्या, दूसरा क्या होता है दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है बेटा, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है बच्चा। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि चुंबक जो है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक तो एस और एक क्या होता है एन, ठीक है। एक तो एस क्या होता है और एक क्या होता है एन। उत्तरी ध्रुव को जो है एन से लिखते हैं अपन, और दक्षिणी ध्रुव को किससे लिखते हैं बेटा, एस से, ठीक है। एन से क्यों लिखा, क्योंकि उत्तर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, तो एन ले लिया उसका, और दक्षिण को इंग्लिश में बोलते हैं साउथ, इसलिए उसका क्या ले लिया बेटा, एस। चुंबक के ध्रुव दो होते हैं, याद रख लोगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्रियाकलाप जो दे रखा है कि आप जब अखबार पे जो है लोहे का बुरादा लोगे, तो लोहे का बुरादा दोनों तरफ चिपकता है, इसका मतलब क्या है कि चुंबक जो लोहा है वो सारा दोनों ध्रुव पे, ध्रुव की तरफ आकर्षित होता है, इससे आप ये समझते हो, ठीक है। अब देखो, दिशाएं ज्ञात करने के लिए हम जो है चुंबक का यूज़ कर सकते हैं, चुंबक का उपयोग कर सकते हैं दिशा ज्ञात करने के लिए। पहले ज़माने में जो है लोग इसी तरीके से चुंबक का उपयोग किया करते थे, ठीक है। देखो एक कहानी भी दे रखी है कि चीन का एक सम्राट था हुआंग टी, ठीक है बेटा। वो क्या था, जब भी वो कहीं जाना होता था उसको अपने रथ में क्या लगा हुआ था, उसके एक एक मूर्ति लगी हुई थी महिला की, और उस महिला की मूर्ति में क्या था, उसकी एक जो हाथ था वो फैला हुआ था, और वो उसका एक ऐसा गुण था कि बच्चा वो हमेशा दक्षिण की ओर इशारा करती थी। जब भी वो घूमती थी वो हमेशा दक्षिण की तरफ इशारा करती थी वो मूर्ति, ठीक है। तो इससे उस सम्राट को क्या पता लगता था, दिशा ज्ञान होता था, वो दिशा का पता लगा लेता था। जब भी वो कहीं जाता था तो उस मूर्ति को देखकर वो अपनी दिशा का पता लगा लेता था, ठीक है। तो ये क्या था उस सम्राट में, उसमें क्या था, ऐसा क्या गुण था कि वो दक्षिण की तरफ घूमती है। या अपन भी एक जो है दिशा ज्ञात करने का यंत्र बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं बेटा, कैसे बना सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक चुंबक लेनी है इस तरीके से जो मैंने बताई आपको अभी, उसको बीच में से क्या बांधना है, धागे से बांध लेना है। उस चुंबक को बीच में से क्या बांध लेना है, धागे से बांध लेना है, और एक स्टैंड से आपको उसको टांग देना है, ठीक है। आप क्या देखते हो, उसको जब अपन घुमाते हैं तो चुंबक हमेशा, चुंबक हमेशा इस तरीके से आपको दिखती है। जैसे ये अपन इसको बांधा और एक स्टैंड से बांध दिया था, जैसे ये स्टैंड मान लो, ठीक है। तो चुंबक हमेशा उत्तर, बेटा किस दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, हमेशा किस दिशा में रुकती है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। इसका मतलब क्या है कि जो सिरा उत्तर की तरफ है, जो सिरा उत्तर की तरफ रुकता है उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, और जो सिरा दक्षिण की तरफ रुकता है उसको दक्षिण ध्रुव
ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको, एन और एस से निरूपित करते हैं। चुंबक जो है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगी जब भी आप उसको घुमाओगे। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है फिर इसी पर आधारित बेटा एक यंत्र बना, एक युक्ति बनाई गई बाद में, जिसका नाम था बेटा क्या था, दिशा सूचक यंत्र। क्या था बेटा? दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र जिसको कंपास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंपास। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि कंपास जो है वो भी हमेशा उसकी सुई जो है, कंपास इस तरीके से होता है बेटा, इसमें नॉर्थ, फिर यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इस तरीके से लिखा होता है। और ये सुई हमेशा जो है बेटा कहाँ रुकती है? नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। तो ये दिशा सूचक यंत्र जो है किस काम में लिया जाता है? दिशा ज्ञान के लिए काम में लिया जाता है। तो चुंबक जो है उसका उपयोग किस तरीके से किया जाता था पहले बेटा? दिशा ज्ञान के लिए किया जाता था। और इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। जब भी अपन चुंबक को घुमाएंगे धागे से लटकाकर, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। ठीक है, इससे लोग जो है दिशा का पता लगाते थे पहले। फिर जो है एक युक्ति बना दी गई, कंपास जिसको बोलते हैं, दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा क्या, चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, किस तरीके से चुंबक जो है एक दूसरे को आकर्षित करती है और प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, ध्रुव क्या होते हैं ये और अपन आगे कल और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये आप लोग इतना आप लोग पढ़ोगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।